हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में अक्टूबर 2022 में सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसके पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने में ये किस पोजीशन पे थी और इस महीने सेलिंग्स के मामले में किस पोजीशन पे आ गई है, इसके बिक्री में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या फिर कमी आई है, ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप भी सेलिंग के बेस पे कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहती है। हर महीने आपको सेलिंग्स फिगर्स जो भी स्कूटर्स या फिर बाइक होते हैं इस चैनल पे आपको देखने को मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी इस महीने की सेलिंग्स फिगर देखकर आपको, तो क्या आपको इसमें थोड़ा सा यूनिक इस महीने देखने को मिल रही है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में या फिर आखिरी में आपको बता दूंगा, तो पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 10th पोजीशन से। तो यहाँ पे जो इस लिस्ट में 10th पोजीशन पे है, यामा कंपनी की आने वाली फसिनो 125 है। ये पिछले महीने 9th पोजीशन पे थी, लेकिन इस महीने ये थोड़ी सी पीछे चली गई है और इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 10,501 यानी कि 10,501 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके बिक्री में 1.47% की पिछले महीने मुकाबले में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 9th नंबर पे है, इसने यामा फसिनो को यानी कि अपने कंपनी के एक मॉडल को पीछे करते हुए 9th पोजीशन पे आ गई है। यामा रेजेडार, ये भी 125 सीसी में आती है। हालांकि ये पिछले महीने इस लिस्ट से बाहर थी, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री थोड़ी सी अच्छी हुई है। अक्टूबर 2022 में टोटल 11,683 यानी कि 11,683 यूनिट इसके स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में 9th पोजीशन पे आ गई है। तो इस लिस्ट में जो 8th नंबर पे है, सुजुकी कंपनी की आने वाली बर्गमन है, ये भी 125 सीसी में आती है स्कूटर। पिछले महीने ये सेम पोजीशन पे थी, इस महीने भी 8th पोजीशन सेम पोजीशन पे है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 12,557 यानी कि 12,557 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने मुकाबले में 2.46% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 7th नंबर पे हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 है, ये पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 14,759 यानी कि 14,759 स्कूटर्स की बिक्री हुई है, लेकिन इसके पिछले महीने मुकाबले में 1.28% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 6th नंबर पे हीरो कंपनी की आने वाली प्लीजा प्लस है, ये 110 सीसी में आने वाली स्कूटर है। पिछले महीने ये भी 6th पोजीशन पे ही थी। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 14,927 यानी कि 14,927 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने मुकाबले में 24.15% की इसकी बिक्री में भारी कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे है, होंडा कंपनी की आने वाली डियो है, ये भी 110 सीसी में आती है। ये पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी। इसके अक्टूबर 2022 में 24,134 यानी कि 24,134 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने मुकाबले में 19.53% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पे टीवीएस कंपनी की आने वाली एंटॉर्क है, ये 125 सीसी में आने वाली स्कूटर है, जो कि पिछले महीने भी ये सेम पोजीशन पे थी। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 31,049 यानी कि 31,049 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 1.42% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है, ये पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी, सुजुकी कंपनी की आने वाली एक्सेस 125, और इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 49,192 यानी कि 49,192 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, लेकिन इसके पिछले महीने मुकाबले में 4.99% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे है, ये भी पिछले महीने सेम पोजीशन पे थी, टीवीएस कंपनी की आने वाली जुपिटर, जो कि 110 और 125 दोनों सेगमेंट में ये स्कूटर मिलती है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 77,042 यानी कि 77,042 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 6.5% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है। इसके अलावा अगर आप टीवीएस जुपिटर के सभी वेरियंट के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिसेंटली बनाया है, वीडियो आपको आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है, वो हमेशा से पहले नंबर पे रहने वाली होंडा कंपनी की एक्टिवा है, जिसमें होंडा 110 सीसी और 125 सीसी में एक्टिवा को बेचती है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 210,623 यानी कि 210,623 यूनिट एक्टिवा की बिक्री हुई है, लेकिन इसके पिछले महीने मुकाबले में 14.24% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में जो आपको थोड़ी सी यूनिक चीजें देखने को मिल रही है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जितने भी स्कूटर यहाँ पे शामिल है, वो पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी, इस महीने भी सेम पोजीशन पे है, यानी कि इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इनके बिक्री में आपको बहुत सारा कमी आपको देखने को मिल रही होगी पिछले महीने मुकाबले में, क्योंकि पिछले महीने यानी कि सितंबर में फेस्टिवल सीजन था, तो उस महीने बिक्री काफ़ी अच्छी हुई थी। जैसे फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ, स्कूटर्स की बिक्री में कमी आना शुरू हो गई है, यानी कि बिक्री में कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो सेम है, यानी कि किस ऑर्डर में लोग खरीदना इसे पसंद कर रहे हैं, और वहीं रेजेडार जो कि इस महीने इस लिस्ट में आ गई है, पिछले महीने नहीं थी। तो ये आपको इस महीने थोड़ी सी यूनिक चीज़ें देखने को मिली होगी, नहीं तो हर महीने इनकी पोजीशन थोड़ा सा आगे पीछे जरूर जाती है,
लेकिन इस महीने पोजीशन इनकी चेंज नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी जिस स्कूटर की बिक्री में देखी गई है वो प्लीजर प्लस की है। तो ये जो सबसे ज़्यादा बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है वो सुजुकी कंपनी की एक्सेस है, इसके बिक्री में केवल बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके अलावा फसिनो की बिक्री में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, बाकी सभी की बिक्री में थोड़े बहुत कमी जरूर देखी मिली है। तो ये 10 वो स्कूटर्स हैं जो कि अक्टूबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेची गई हैं। तो इनमें से आपने कौन सा परचेस किया है या फिर कौन सा आप यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 10 बेस्ट सेलिंग अक्टूबर 2022 के बाइक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक से जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।